क्या हो अगर आप एक प्लेन में सफर कर रहे हो और पता चले कि उसी फ्लाइट में आपके साथ एक जहरीला सांप भी फ्री की यात्रा कर रहा है। जी हां, ऐसा सच में हुआ है। मलेशिया से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उड़ते एरोप्लेन में एक सांप ने यात्रियों के बीच खलबली मचा दी। इसके बाद प्लेन का रास्ता बदल तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप प्लेन की फ्लाइट के अंदर रेंगता हुआ नजर आ रहा है। घटना 10 फरवरी की बताई जा रही है, जब एयर एशिया की फ्लाइट नंबर AK5748 क्वालालंपुर से तवाऊ के लिए उड़ान भरती है। इसी बीच जब प्लेन आसमान में पहुंचा तो यात्रियों ने लाइट के अंदर कुछ रेंगते हुए देखा। उस चीज की परछाई से पता चला कि वो एक सांप है। फिर क्या था, पूरी फ्लाइट में स्नेक स्नेक के नाम का हड़कंप मच गया। यात्री उस लाइट से दूर भागने लगे जिससे सांप नजर आ रहा था। इसी बीच फ्लाइट में सांप की जानकारी पायलट को दी गई, जिसके बाद उन्होंने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट्स लगातार पैसेंजर्स को पैनिक ना करने की सलाह देती रहे। हालांकि वीडियो में यात्रियों के बीच सांप के खौफ को साफ साफ देखा जा सकता है। सांप की वजह से फ्लाइट को तुरंत डाइवर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ देर बाद प्लेन को कुचिंग शहर की ओर डाइवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर एशिया के सेफ्टी ऑफिसर कैप्टन लियोंग टियन लिंग ने बताया कि एयरलाइंस कंपनी को इस मामले के बारे में पता चला है। उन्हें क्वालालंपुर से तवाऊ जा रही फ्लाइट में सांप के देखे जाने की सूचना मिली है। ये गंभीर मामला है। कैप्टन लियोंग टियन ने कहा, जैसे ही कैप्टन को इस बारे में पता चला, उन्होंने फ्लाइट को कुचिंग की ओर घुमा लिया, जिससे प्लेन के अंदर से सांप को हटाया जा सके। वायरल हो रहे वीडियो को ट्विटर यूजर हना मोहसिन खान ने अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया है, जिसे अब तक हजारों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हवाई जहाज में सांप, या तो यात्री द्वारा ले जाया जा रहा पालतू होगा या फिर संभवतः जमीन से विमान में चढ़ गया होगा। ट्विटर यूजर के मुताबिक सांप एयर एशिया एयरबस A320 से 200 की लाइट में तब तक बैठा रहा जब तक विमान को डाइवर्ट नहीं कर दिया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि सांप आखिर कैसे विमान की लाइट में पहुंचा। क्या वो किसी यात्री द्वारा साथ लाया गया या फिर बाहर से फ्लाइट में घुसा। इन सब सवालों के साथ मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सांपों को गर्म और सूखी जगहें पसंद होती हैं। ऐसे में लाइट के पास देखा जाना बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि प्लेन के अंदर सांप पहुंचा कैसे। अगर सांप गलती से किसी यात्री को काट लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि सांप यात्री की पहुंच से दूर था। प्लेन के अंदर सांप मिलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।